अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज कनेक्शन लगाने आए हैं, दोबारा एक और कनेक्शन बुक हुआ है वायरलेस का 5G के अंदर। तो आज वो कनेक्शन लगाने हैं, उस औरत का लगाने आए हैं, वो कोई तारीफ की मोहताज नहीं, हमारी मैम सायरा बानो का कनेक्शन लगाने आए हैं। ये जो गोट है वो मीर मोहम्मद वसान, इस गोट का इलाके का नाम है। तो यहाँ तकरीबन हमने सारा सामान ले लिया है, कबाड़िया वाले से जो है ना हमने पैंप भी खरीद लिया है, कुछ हुक भी थे जो पैंप को काबू करने के लिए वो भी खरीद लिए हैं, और कनेक्शन लगाने के अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। तो अब मीर मोहम्मद वसाण जिस इलाके का नाम है वहाँ हम पहुँच चुके हैं अपना कनेक्शन लगाने के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दें कि बात ये हुई थी कि कनेक्शन लगाने की कि इस पूरे हाल को, जितना भी ये बड़ा हाल है कनेक्शन का, वो पूरा आपने कवर करके देना है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाल जो कवर होगा वो दो डिवाइस से मुश्किल हो, पर हम कोशिश करेंगे कि किस तरह इसको बनाएं। मगर इस वक्त जो हम जो है तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर आ चुके हैं शिदापुर के इस एरिया से, जो हम अपने जटिया वाले टावर से कनेक्ट करेंगे अपने कनेक्शन को, मगर लाइन ऑफ साइड मुझे थोड़ी सी क्लियर नहीं लग रही। इस वजह से मुझे बहुत बड़ी चैलेंज होगा इस कनेक्शन को ऑन करने में। चलते रहें इस वीडियो के साथ और इंशाल्लाह इस ब्लॉग को शुरू करते हैं इस कनेक्शन के साथ। ये अली अकबर भाई जो है ना ऊपर चढ़ गए हैं लाइनो साइड देखने के लिए, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मैं चढ़ नहीं सकता, तो वो स्टूल लेने गया लड़का, तो स्टूल लेके आए, तो इंशाल्लाह तो मैं भी ऊपर चढ़ के लाइनो साइड चेक करूँ कि क्या पोजीशन है ऊपर। आज कनेक्शन लगाने के लिए आशीर भाई भी आए हैं, वजाद भाई भी आए हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मौसम है इस वजह से सब आए कनेक्शन लगाने के लिए। मगर ये कनेक्शन लगाने नहीं आए, ये कोई पर्सनल इनका कोई मीटिंग थी पता नहीं कैमरों के हवाले से, तो उस वजह से आए। तो यहाँ पर भी तकरीबन सिग्नल इमरजेंसी लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सिग्नल बहुत कम पीक आते हैं, तो इस वजह से कनेक्शन लगा है वायरलेस का। मगर एक मसला ये भी है यहाँ पर कि कनेक्शन हम लांडी से बहुत दूर है, तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर बाय एयर बहुत दूर है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको किससे कनेक्ट करें, कौन से टावर से कनेक्ट करें, क्योंकि इस साइड जो टावर है वो लगता है हमें कुरकुली का, इस साइड हमें जो टावर लगता है वो लगता है सिजोरो का, और इस वक्त हमें इस साइड जो लगता है वो हमें लगता है जटिया का टावर। तो बेसिकली हम चारों तरफ से हमारे पास टावर है, सिग्नल जहाँ पे भी अच्छे आएंगे उससे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे तकरीबन टावर पे जो है ना लोड बिल्कुल बेहतरीन हो गया, क्योंकि जितने भी टावर है वो फाइबर बैकहोल में हो गए हमारे, क्योंकि वहाँ पर भी जो टावर लगे वो सारे फाइबर के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि फाइबर आपको पता होना चाहिए, फाइबर वो चीज़ है जो स्पीड और वो जो कनेक्टिविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखती है। तो सारी कनेक्टिविटी हमारी फाइबर पे है, फिर वायरलेस स्टार्ट होता है। तो तकरीबन हमारे टावर फाइबर पे हो चुके हैं, तो उनकी सारी कनेक्टिविटी फाइबर के ऊपर है, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्पीड आएगी। देखते हैं कौन से टावर से कनेक्ट होता है, कितने सिग्नल आते हैं, आपको सब स्टेप बाय बताऊंगा कि कितने सिग्नल कहाँ कहाँ आ रहे हैं। आज जो कनेक्शन लगाने आए हैं वो है हमारी मैम सायरा बानो का कनेक्शन बुक हुआ है, तो वो लगाने आज यहाँ पर आए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करके देंगे, क्योंकि इनके यहाँ पर भी मोबाइल के सिग्नल बहुत वीक आते हैं, तो इनको कनेक्टिविटी हम मना कर देंगे इंशाल्लाह, ज़बरदस्त पूरे हाल को भी कवर करेंगे वाईफाई के थ्रू, वाईफाई के सिग्नल के थ्रू, और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी बनाकर इनको नेट की स्पीड टेस्ट। दूर भी वो ही तो मिले ना गांव वाले निकम्मे लोग, और काम करते नहीं खुश हो रहे, बाकी नेट लग रहे हैं जो मतलब लगा नहीं मतलब लगेगा तो नहीं मैम, आपको चला कर ही देंगे, सब कुछ चला कर देंगे। नहीं आपको एटलीस्ट जो मतलब फीडबैक हमारी तरफ से मिली है, जैसे कहीं और लगे हुए हैं तो आपको फीडबैक जो मिली होगी तो अच्छी मिली होगी ना, तो उस हिसाब से आपसे पूछना है। अच्छा 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 सही सही। और असल में जो हम काम करते हैं ना, जो वायरलेस कनेक्टिविटी वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें हर चीज़ ज़बरदस्त चलती है, यूट्यूब फेसबुक नेटफ्लिक्स वैसे ही फास्ट है, सर्वर ओके हमारा सब कुछ ओके, पीछे से आपको सिर्फ पैकेज कराना है अरमत, और आपका नेट ज़बरदस्त चले। सही सही। असल में बेसिकली हमारा जब कनेक्शन जब हमने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी ना, ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ही शुरुआत की थी, जब हम जब फाइबर पे आए थे तो उनको लोगों को चाहिए था ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए, तो हमने भी नेट का काम तब स्टार्ट किया था, तब लोगों को ऑनलाइन क्लासेस। जी मैम बिल्कुल, आपको हर चीज़ मेंशन करेंगे अपने वीडियो में। सब रिकॉर्डिंग कर रहे हो? यस मैम रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है बताती हूँ मैम। अच्छा मैम आपने कैमरे लगाओ सारी चीजें तो बताना मैम आपको, शूट वगैरह के वो इलाका है कि 15 साल दौरे हुकूमत में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस या जो बिजनेस कहते हैं कि यहाँ पर पता नहीं हम आईटी के मैदान में एशियन टाइगर बनेंगे, हम एशियन बिल्ली भी नहीं है। यस मैम, तो जहाँ पर ये ट्विटर बंद हो और जहाँ पर जहाँ के वजीर आजम और ये लगा पीपीएल लगाने के बाद ट्वीट करें, तो उनको आप और
क्या कहा जा सकता है। अच्छा मैम, आपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवाने थे, अपना क्या इरादा हुआ सीसीटीवी कैमरे लगाने का अपने बंगलों में? क्योंकि हम वो सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगाते हैं अपने। नहीं नहीं, बस मैं पहले आपके जो नेट है उसकी, चलो इंटरनेट लगा के इंशाल्लाह फिर आपको, आप इंशाल्लाह फीडबैक देना हमें, ठीक है मैम। मैम सारा मानो से भी मुलाकात हमारी हो गई है माशाल्लाह, उनसे इंटरव्यू भी लिया और उससे कहा भी है कि हमें फीडबैक देना कि आप कनेक्शन लगने के बाद किस तरह चल रहा है, ठीक है। तो डिवाइस की भी अनबॉक्सिंग कर दी है, जो हम टीपीलिंग की डिवाइस लगाएंगे यहाँ पर इस हाल के ऊपर। कनेक्शन के लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं वो टीपीलिंग वालों की डिवाइस है, AX150 नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई। तो ये है डिवाइस टीपीलिंग की, जो एसी की डिवाइस है, ऊपर डिवाइस भी एसी लग रही है तो नीचे मोडियम भी एसी लग रहा है। तो ये है डिवाइस की लुक, इसके अंदर एक इंटरनेट की वायर मिली है और एक 12 वोल्ट का चार्जर है और एक कुछ गाइडलाइन लिखी हुई है, मगर हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इतने भी टेक्निकल हैं कि इस चीज़ों को समझ जाते हैं। ये वो डिवाइस जो यहाँ नीचे लगेगी, तो इस हाल को पूरा कवर करने के लिए डिवाइस जो है ना हम लगा रहे हैं। जब मैं हाल में आया तो मेरी एक मुलाकात एक शख्स से हुई, ये जो आर्टिस्ट हैं एक बहुत ज़बरदस्त, सही आपका नाम? नौमान जहीर भाई का नाम है, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं ये, जो बड़ी ज़बरदस्त ड्राइंग बना रहे हैं दीवार के ऊपर। सर ये क्या बना रहे हैं आप? वॉल आर्ट के ऊपर काम हो रहा है। तो अच्छा, आप कहाँ से आए वैसे? अच्छा सिद्धार्थपुर गए आप, यार लग नहीं रहे आप। अच्छा कहाँ पर काम किया? सूफी आर्ट के पास यहाँ? अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त यार। अच्छा इतनी ज़बरदस्त आप आर्टिस्ट आर्ट बना रहे हो तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए यार चीज़ के लिए, ठीक से तो बहुत जबरदस्त आर्ट बनाया है इन्होंने। तो इनमें इस दीवार पे भी बनी हुई है, ये भी देख लें कितनी प्यारी बनाई है इन्होंने। आ चुका हूँ, मगर क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ सीढ़ी लगाकर ऊपर आया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा था। तो ये RJ45 का कनेक्टर लगाना है, नीचे सारा सेटअप चालू कर दिया है, अब बस सिग्नल चेक करना है, कनेक्टिविटी बनानी है कि कितने कनेक्टिविटी में सिग्नल आते हैं। तो ये इस साइड जो है कुरकुली है, ये शदादपुर है अपना जटिया टावर और यहाँ पर है अपना सिंजोरो टावर। अब देखते हैं लाइन ऑफ साइट क्लियर कहाँ पर आती है, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएं कि कितने सिग्नल आ रहे हैं। पर भाई तो आप डिश दे मुझे, मैं डिश ऊपर लगा के लाइन ऑफ साइट क्लियर चेक करता हूँ कितनी क्या पोजीशन है। पर तो फाइनली डिवाइस के ऊपर RJ45 का कनेक्टर लगा दिया है, तो अब सिग्नल इसको खड़ा करने के बाद चेक करेंगे कि सिग्नल कितने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त हाइट मिल चुकी है हमें। इस घर का जो हाइट है तकरीबन 20 से तकरीबन हम 40 फुट ऊपर आ चुके हैं और 5 फुट का ये पोल है, तकरीबन 45 फुट तक ऊपर ज़मीन से आ चुके हैं। तो ये पोल खड़ा करने के बाद देखेंगे कि कितने सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी सी हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हमें लगता था कि शदादपुर इस साइड है, मगर शदादपुर बिल्कुल सीध पर सामने निकला है। बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन है क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं बहुत रिस्की जगह है, बहुत मेहनत के साथ ये कनेक्शन लगेगा क्योंकि इस पे पोल रोकने के लिए कोई दीवार वीवार नहीं है, क्योंकि 5 फुट का पोल है, इसको रोकने के लिए तकरीबन हमें साइड पर एक दीवार चाहिए होगा जिस पर हम हुक ठोकें। हमारा जो बंदा है वो देखो किस तरह ये काम कर रहा है, कितना रिस्की हो गया काम कर रहा है, मैं खुद आगे नहीं जा सकता। तो ये अब यहाँ पर ये हुक लगाकर इस डिवाइस को यहाँ रोकेंगे, हमारे लिए क्या कनेक्शन ऑन करना, क्योंकि जिस तरह हमें लग रहा है कि कनेक्शन ऑन होगा तो पहले सबसे पहले हमें रोकना है पोल को, कि पोल को हम 5 फुट के पैंप को पोल को खड़ा करके इसको रोकने का पहले इंतजाम करेंगे, ताकि ये है कि कनेक्शन फिर अलाइनमेंट चेक करेंगे कितनी बन सकती है, क्योंकि तकरीबन हमें -75 आ चुके हैं हमारे मेन पेज के ऊपर। अब डैशबोर्ड पर चेक करते हैं कितना आ रहा है, तो साइट सर्वे में बताया तकरीबन -75, अब देखते हैं डैशबोर्ड पे कितने सिग्नल आते हैं। काम सारा रुका पड़ा है, चाय किस तरह पियेंगे मुझे तो इलम भी नहीं है कि काम हमारा बहुत डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से हम खड़े होकर पोल लगा रहे हैं तो मुझे तो बड़ा सा खौफ दिल में आ रहा है कि कहीं घर के नीचे तो शहीद ना हो जाऊं, मर ना जाऊं। तो इस तरीके से जो है ना हम बहुत रिस्की काम करते हैं, तो हम अपनी टीम को अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए कि जिस तरह ये काम कर रही है हमारे लिए, जो कितने रिस्की तरीके से वो खड़ा हुआ है, वो ड्रिल मशीन चलाएगा यहाँ पर। पोल लगाने से पहले चाय पी लेते हैं। अच्छा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि यार आपका कनेक्शन 10 MB का है, स्पीड टेस्ट करते हैं ऊपर जो मोबाइल के ऊपर एक स्पीड आ रही होती है, बोला यार ये 1 MS से ऊपर नहीं जाती। अच्छा बेसिकली पता है क्या होता है, ये अंग्रेज़ों का एक फार्मूला है, क्योंकि जब भी हम बैंडविड्थ को स्टोरेज में कन्वर्ट करते हैं तो स्टोरेज में हमें 10 MBPS को जब हम
डिवाइड करते हैं आज से, तो उसका स्पीड बनती है 1 MBS. 1 MBS जो होता है वो स्टोरेज में आता है, तो उसका मतलब ये है कि 10 MB की स्पीड के ऊपर 1 MBS स्पीड आएगी स्टोरेज के ऊपर, ठीक है। जिस तरह बिल फर्द अगर आप कहते हो कि यार 10 MBS हमें स्पीड चाहिए, 10 MBPS करने के लिए आपको तकरीबन इंटरनेट कनेक्शन 100 MBPS का कनेक्शन चाहिए होगा, तो इस चीज़ कन्फर्मेशन को आप बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिए कि कनेक्शन जो 10 MB होता है उसके ऊपर मैक्सिमम स्पीड 1.2 या 1.3 MBS स्पीड आती है जो स्टोरेज में कन्वर्ट होती है। तो ये फार्मूला आपके सामने, मैंने स्क्रीन के सामने फार्मूला आ रहा होगा, इस चीज़ को जहन नशीन कर ले कि कोई भी इंटरनेट वाला अगर आपको कहता है कि 50 MBPS का कनेक्शन है, 100 MBPS का कनेक्शन है, 20 MBPS का कनेक्शन है, तो उसको डिवाइड कर दो 8 के साथ, कैलकुलेटर आपके मोबाइल में वैसे होता है तो उसको डिवाइड कर लीजिए। ये रही आज की इंफॉर्मेशन वाली बात। इंटरफेस खोलने के बाद इसको लैंडी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, -75 तक सिग्नल आ रहे हैं, और इसकी जो डिश की DBI है 13 DBI, उसको हमने 23 कर देना है, और इसके जितने भी पावर कैलकुलेटर है वो जितने भी है उसको सबको ऑफ करके इसको 23 DBI करने के बाद तो इसके सिग्नल लैंडी के अंदर आ रहे हैं 75, बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी बन चुकी है, तकरीबन 50 से 60 MBPS का लिंक बन चुका है। तो तकरीबन स्पीड तकरीबन हम इनको देंगे 15 से 15 MBPS का स्पीड पैकेज हुआ पड़ा है, तो वो स्पीड टेस्ट करेंगे कितनी स्पीड आ रही है। फिलहाल तो हमने डिश को खड़ा कर दिया है और डिश की अलाइनमेंट भी परफेक्ट कर दी है। अब नीचे चल के मोडियम लगाना है, मोडियम के बाद और उसके स्पीड टेस्ट करना है। अच्छा, फर्स्ट मोडियम हमने मेन लगाया है मैम के रूम के पास, मतलब हाल जहां पर मैंने आपको दिखाया था एक वहां मोडियम रखा है, दूसरा जहां पर वो मीटिंग वगैरह करती है जहां से हमने इंटरव्यू लिया था वहां पर दूसरा मोडियम लगेगा। तो इंशाल्लाह दोनों की भी जो है हम पेज कोड बड़ा सा तार खींच के पेज कोड बनाकर उसको भी ऑन करेंगे दूसरी डिवाइस को, खड़ा कर दिया है, ठीक है। और इसको एक्सेस पॉइंट सेक्टर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, -75 तक सिग्नल इसके आ चुके हैं, इसको मजबूत भी कर दिया है, ओके हो गया है माशाल्लाह, कनेक्टिविटी भी परफेक्ट हो गई है। बस अब लाइन की तार वहां से लेकर उस हॉल तक लेके जाएंगे ताकि वहाँ पे भी एक मोडियम लगेगा और सेकेंडरी मोडियम भी इधर लगाएंगे, तो इस तरह पूरे हॉल को भी कवर करेंगे और इंशाल्लाह इस बंगले को विजिट भी करेंगे। बहुत सारे मोर भी हैं यहाँ पर माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मौसम है, बारिश भी हो रही है, हल्की हल्के बूंदाबांदी भी हो रही है और ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। तो इंशाल्लाह मज़ा भी आया इस व्लॉग के अंदर कि किस तरह हमने कनेक्शन लाया, कितना हमने रिस्की काम लिया है। तो इंशाल्लाह ताला अभी नीचे मोडियम लगाएंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कितनी स्पीड आ रही है। जिन्होंने खाना हमारे लिए बनाया था और बहुत ज़बरदस्त बावर्ची हैं, बहुत ज़बरदस्त खाना इन्होंने मेरे लिए बनाया और बिल्कुल हेल्थी बनाया, जिसमें बिरयानी भी थी और दाल भी था, दाल किसका था, चने की दाल थी और रोटियां थी, माशाल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त सालन मेरे लिए, बहुत परफेक्ट बिल्कुल बिना मिर्ची वाला सालन मेरे लिए बनवाया था, भाई ने बनाया, भाई को अप्रिशिएट फ्रॉम माई सेल्फ। कर दी है मोडियम भी दूसरा लगा दिया है, थोड़ी सी अलाइनमेंट में थोड़ी सी डिफरेंट आ गई है, थोड़ा सा उसकी अलाइनमेंट भी ठीक करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ऊपर जाके इसको अलाइनमेंट ठीक करते हैं कि 78 पे कनेक्ट हो गया, इसको दोबारा जो है ना 74 तक लेके आना है, क्योंकि वो जब आखिरी हुक लगाया था तो उसकी वजह से वो हिल गया था, डिवाइस हिल गई, तो वो भी लगाते हैं सेट करते हैं। सर ये देख रहे हो कि लाइनों साइड आ रही है, तो ये 73 और ये 75 पे हो रहे हैं, थोड़ा सा हिलाने से और इम्प्रूवमेंट आ रही है, तकरीबन 78 पे तो 73 तक पहुंच जाती है, तो फाइनली ये भी ओके हो गई, अलाइनमेंट भी ओके हो गई है, बस अब निकलते हैं नीचे स्पीड टेस्ट कराकर और अपने शेयर हॉप से चलते हैं। और माशाल्लाह कनेक्शन कनेक्टिविटी ओके हो गई है, हर चीज़ बेहतरीन हो गई है, स्पीड भी तकरीबन 12 से 13 MBPS तक स्पीड जाएगी। स्पीड भी चेक करा दी है, बिल्कुल सर्टिफाई कर दिया है कस्टमर को, तो मैम चली गई थी कराची के लिए, तो इसलिए उनसे आखिरी में मुलाकात नहीं हुई और उनको दिखाया भी नहीं स्पीड, तो इंशाल्लाह मैंने कहा हुआ है कि तब आप नेट चलाए तो मुझे इंशाल्लाह फीडबैक ज़रूर देना, तो इसी व्लॉग से मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट व्लॉग में कहाँ कनेक्शन लगाने जाऊँगा, तो इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।